मलेशिया बाद तुर्की अजरबैजान इस तरह के ममालिक में टूर पे लेके जाए। हम सब जब अपने आप को हुबुल वतन पाकिस्तानी कहते हैं, अपने आप को सच्चा पाकिस्तानी कहते हैं, उन सब के लिए, उन पेरेंट्स के लिए, उन लीडरों के लिए जो के सवात से तल्लक नहीं रखते, पाकिस्तान के दूसरे इलाकों से तल्लक रखते हैं, उन सब को इस पाकिस्तानी स्विट्जरलैंड सवात में विजिट करने के लिए आना चाहिए। यानी जो आप लाखों रुपए लगा के स्विट्जरलैंड में यूरोप में जाके देखते हैं वो नेचुरल ब्यूटी वो आपको सवात में मौजूद है, सवात में मिल सकती है। हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हमारा सवात स्विट्जरलैंड से भी बेहतर है। मैं 26 साल दियारे गैर में रहा हूँ, 13 साल मैं गौर में रहा हूँ और जो चीजें हमने वहां देखी हैं वो सारी चीजें यहाँ पे मौजूद हैं। अभी मैं 2 दिन पहले किर्गिस्तान से वापस आया हूँ, बीबायू के हवाले से तो लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली है, मेरे ख्याल में मुझे उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, सारे लीडरों ने आपको सुना सुना के पका दिया होगा। किर्गिस्तान के हवाले से मैं कुछ बताऊंगा कि जब सारी दुनिया परेशान थी, यहाँ पे लोग परेशान थे, 2017 से जब से हमने ये काम शुरू किया है उस वक्त से जो हमारे हासिदीन हैं उनकी ये दुआ होती है, बददुआ होती है, उनकी हसरत होती है कि बी वायु बंद हो गई, बी वायु भाग गई, तो ये उनके हसरत और ख्वाब ता क्यामत पूरे नहीं हो सकेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। उनकी हसरतें ता क्यामत पूरी नहीं हो सकती इस वजह से कि मेरे साथ आप जैसे प्यार करने वाले भाई मौजूद हैं तो मुझे किसी की फिक्र नहीं है। जब मैं कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूं तो आप सब दोस्तों से मैं मशवरा लेकर करता हूं। मैं कोई भी काम अपनी मर्जी से या अपनी मैनेजमेंट की मर्जी से नहीं करता, जितना कंपनी मेरी है उतनी ये कंपनी आपकी भी है। जो फैसला मैंने करना है वो आपकी मर्जी से फैसला होगा, मेरा जाती फैसला नहीं होगा। इसी वजह से हमने 15 दिन पहले भी कराची में सब टॉप लीडर्स को बुलाया था और मुशावरा से हमने एक हिकमत अमली तैयार की, उसके मुताबिक हम काम कर रहे हैं। किर्गिस्तान में हमारा बहुत अच्छा दौरा रहा और जो लोग ये समझते थे कि बस अब कंपनी भाग गई और सीईओ भाग जाएगा, सीईओ कहीं नहीं भागेगा, इन सबको भगाएगा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह आपको साथ लेकर इन सबको भगाना है क्योंकि हम पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, उससे इनको तकलीफ होती है और जिसको तकलीफ होती है होती रहे। आप लोग कामयाबियां समेट रहे हैं, आप लोग मुतमिन हैं, आप लोग खुशहाल हैं। पाकिस्तान के अंदर हमने बेरोजगारी को खत्म करने में इमरान खान के मिशन को तकवीयत दी, इमरान खान के मिशन के मुताबिक हम सरमायाकारी यहाँ पे लेकर आ रहे हैं और यहाँ पे रोज नित नई इंडस्ट्री और नित नए बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। इतने बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं कि जैसे वाले साहब ने कहा कि हम गिनते गिनते थक जाते हैं, हमें याद ही नहीं रहता कि कौन सी चीज बतानी है, कौन सी चीज नहीं बतानी, हमें याद भी नहीं रहता। अभी 1 दिसंबर को हमने नास टाउन बहुत बड़े बिल्डर है, JFS बिल्डर, उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, वहां से हम 350 बंगलोज ले रहे हैं, तकरीबन 4 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट है। और पहले पहले 6 महीने के अंदर 100 बंगलोज तैयार होंगे और उसके ऊपर आपकी बीबायू की आईडी और उस घर का नंबर लिखा जाएगा। बीबायू इलाज का काम शुरू हो चुका है, उसका काम वहां पे कराची में इलाज टाउन सज्जानी टाउन में स्टार्ट हो गया है। इंशाल्लाह 10 या 15 दिन में हम उसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग भी करेंगे और वो हम अपने मेंबर्स को इजी आसान इंस्टॉलमेंट पे भी, कैश पेमेंट पे भी, 1 साल और 2 साल के कर्जों के ऊपर भी हम देंगे। अच्छा, एक चीज और बताता चलूं कि जब हम बाकू गए थे तो हमारे पास सबसे ज्यादा अचीवर हैदराबाद और कराची के थे। फिर दूसरे फेज में जब मलिक साहब आए, मलिक साहब ने यहाँ पे इस्लामाबाद में एक प्रोग्राम रखा था तो इन्होंने यही कहा कि हमें गाड़ियाँ और हमारे बोनसेस कागजेज में तो दिखाए जाते हैं, फिजिकल नहीं मिलते। तो मैंने उस वक्त एक बात की थी,
कि आप इनाम लेते लेते थक जाएंगे, सैफुर्रहमान खान आपको इनाम देते हुए नहीं थकेगा। और इस चीज की आप गवाह हैं कि जैसे आमिर हुसैन है और अनवारुल मुखलिस है जो हमारे साथ 2017 से काम कर रहे हैं, कि 2017 से लेकर आज तक कोई ऐसी कमिटमेंट सैफुर्रहमान ने की नहीं है जो पूरी ना हो सके। मैं कमिटमेंट वो करता हूं जो पूरी हो सके। अभी जो हमने यहाँ पे लाहौर इवेंट में 28 गाड़ियां दी थी, उसके बाद अभी जो नेक्स्ट हमारे दिसंबर में क्लोजिंग हो रही है उसके ऊपर 60 के करीब लोग अचीव होने वाले हैं, हो जाएंगे अभी कुछ दिन रहते हैं। और आपको पिशावर के और केपीके के बारे में एक सीक्रेट बताना चाहूंगा, कंपनी के सीक्रेट है, बताने नहीं चाहिए। आप लोग अभी यहाँ पे जो बड़े बड़े लीडर बैठे उनको भी नहीं पता होगा इस चीज का। एक चीज मैं आपको डिस्क्लोज करना चाहूंगा कि आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुपों में, फेसबुक में 8 या 10 कोई नूरों के नाम देखे होंगे या सुने होंगे कि केपीके से 8 या 10 जानवरोला, ये अफरीदी बता रहा था 2 महीने में फास्टेस्ट कोई नूर बने हैं, कोई 3 महीने में बने हैं, कोई 1 महीने में बने हैं। इन लीडरों के अलावा हमारी ऐसी माए बहने हैं जो कोई नूर है, जो कभी किसी प्रोग्राम में नहीं आती, 43 कोई नूर केपीके से हैं। सिर्फ 43 कोहिनूर केपीके से हैं और केपीके में अभी तक हमारा एक भी फिजिकल प्रोजेक्ट नहीं है। हमारे सबसे ज्यादा फिजिकल प्रोजेक्ट लाहौर में है, क्योंकि मेरे स्टाफ मैनेजमेंट सारी की वहां बैठी है। उसके बाद हमारे कराची में, हैदराबाद में भी प्रोग्राम है, इस्लामाबाद में भी है। ये पहली फ्रेंचाइज है। वहां पे जब हम दुबई में थे तो ये फजल करीम और अफसर सैयद की टीम में था, उसका नाम खुर्शीद, खुर्शीद की बहुत रिक्वेस्ट थी कि हम सवाद जाएं। सवाद हम पहले भी आए थे, 2018 में भी आए थे। और सवाद के लोगों के लिए आज मैं खुशखबरी एक अनाउंस करना चाहूंगा कि केपीके में हमारी 2-3 पार्टियों से बातचीत हो रही है। इंशाल्लाह 1 या 2 पेट्रोल पंप इसी महीने में हम केपीके में स्टार्ट कर देंगे। सवाद के लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, कल भी मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है और आज भी इकट्ठी कर रहा हूँ, और आज हम कुछ जगह भी देखने जा रहे हैं। यहाँ पे हम एक प्लाजा या एक बिल्डिंग खरीदने वाले हैं जिसको हम एक टूरिस्ट प्लेस, एक होटल डिक्लेयर करेंगे। और जितने भी हमारे बीपीयू के लीडर हैं, मेम्बर हैं, वो पूरे पाकिस्तान से या ओवरसीज से जब आएंगे वो सवाद इस जगह पे आया करेंगे। और ये एक फिजिकल बिजनेस होगा जो कि हम सवाद में स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अलावा एक और गुड न्यूज है, वो गुड न्यूज ये है कि जब हमने रिवॉल्ट बाइक स्टार्ट किया, रिवॉल्ट बाइक की फैक्ट्री हमने कराची में लगाई, और जब मैं जून में अपने आबाई गांव मियांवाली गया और वहां पे मैंने अनाउंस किया था कि बेशक रिवॉल्ट बाइक बांट तो कराची में रही है लेकिन इसकी पहली फ्रेंचाइज मियांवाली में होगी, मेरे आबाई गांव का, मेरे इलाके का सबसे ज्यादा हक है मुझ पर। तो वहां पे सबसे पहले हमने फ्रेंचाइज दी और वहां के लोगों ने उसके ऊपर सवारी की और उसको अच्छे तरीके से कामयाब बनाया। अब सवाद के लोगों के लिए, जब आप लोगों का इतना प्यार है, इतनी मोहब्बत है, चाहे वो मैं सवाबी में गया, मर्दान में गया, किसी पिशावर में गया, आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों का खलूस, वो मैं अल्फाज में नहीं बयान कर सकता। पूरी दुनिया में हम ट्रैवल करते हैं, हर जगह पे हमारे इवेंट होते हैं, लेकिन जितना प्यार, मोहब्बत, इज्जत आप लोगों ने दी है उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक चीज अल्लाह लेलान बांगे दोल ये कहता हूं कि इंशाअल्लाह सैफुर्रहमान अपनी कमिटमेंट से कभी पीछे नहीं हटेगा, और उसको जितनी भी परेशानी है, जितने भी मसाइल हो इस पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर, आप लोगों का एक एक रुपया हमारे पास अमानत है। हमने ना सिर्फ आपको बल्कि हमने अल्लाह को भी जवाब देना है, और जब हमने अल्लाह को जवाब देना है तो ये जो रूमर्स उड़ती हैं ये आपको ऊंचा उड़ाने के लिए, ये जो रुकावटें आती हैं, ये जो मुखालफतें होती हैं, इसकी वजह ये है कि हम राइट ट्रैक पे जा रहे हैं
और दुश्मनों का हमसे जलने वालों का मुंह काला हो रहा है और वो इस तरह की अफवाहें उड़ाते हैं। इन अफवाहों के ऊपर आप कान ना धरें जब आपका साथी आपके सामने मौजूद है। या तो ये हो ना कि मैं मौजूद ना हूँ, मैं सामने ना हूँ, फिर आपको परेशानी हो। हर जगह पे अभी मैं किर्गिस्तान से वापस आया था, 3 बजे मैं कराची पहुंचा, वहां से मैं रात को 8 बजे चला, अगले दिन 3 बजे लाहौर पहुंचा, लाहौर में ऑफिस में कुछ काम थे, वहां से रात को 10 बजे चला और यहाँ पहुंचा। इंशाल्लाह जहाँ पे भी जब भी आप बुलाएंगे आपका भाई आपके साथ होगा और हर उस जगह पे जाएगा जहाँ आप बुलाएंगे, क्योंकि ये जितनी कंपनी मेरी है मैंने इस कंपनी को नाम दिया V5U। आप लोगों ने इसको नेम ऑफ ट्रस्ट बनाया, तो ये जितना मेरा हिस्सा है उससे ज्यादा आप लोगों का हिस्सा है, जितनी इसकी फिक्र मुझे है मुझसे ज्यादा आप लोगों को है। और जब हम एक दूसरे के हाथ में हाथ पकड़कर कंधे के साथ कंधा कदम के साथ कदम मिलाकर चलेंगे तो इंशाल्लाह दुनिया की कोई ताकत हमारा बाल बीका नहीं कर सकती। एक और बड़ी अनाउंसमेंट, एक बड़ी खबर, इंशाल्लाह अगस्त से पहले हम अपनी V5U कंपनी अपनी एयरलाइन स्टार्ट करेगी।